वल्ला वल्ला कुछ तनख्वाह लेगा जे काम नहीं करेगा। कुछ लड़की से डरते बोल दिल कहीं का। ए खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो कुरका दरवाजा खोलो। कहाँ भागे जा रहे हो? अरे हुजूर हुजूर बके जाओगे या कुछ बोला देगी? कहाँ जा रहे? हुजूर के साहबजादी को काना खिलाने। जर्मन का लड़ाई से नहीं भागा हुजूर, लेकिन यहाँ से भागना पड़ा। अरे क्यों बहादुरों का नाम बदनाम कर रहे हो? जाओ दूसरा खाना ले आओ। तो डैडी आप? तो भूख हड़ताल अभी तक जारी है। ये कमरे की क्या हालत? क्या यहाँ जलजला आया था? आया तो नहीं पर अब आएगा। तो हमारा क्या ले जाएगा? यहाँ कैद करने के बजाय मुझे जंजीरों से क्यों नहीं बंधवा देते? अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करूँगा। बड़ी खुशी से आप मुझे जंजीरों से बंधवा सकते जो मन समाय कर सकते, लेकिन जब तक आप मुझे इस बोर्ड पर कैद रखेंगे मैं खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। बेबी बचपना छोड़ दो, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम ये भी जानती हो कि होगा वही जो मैं चाहूं। डैडी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आखिर मेरी शादी पर आपको क्या एतराज है? मुझे शादी पर नहीं मगर तुम जिससे शादी करना चाहती हो उस पे एतराज है। अगर मेरी शादी सुमन से नहीं हुई तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। कैसे शादी नहीं करोगी? आ जाओ खान। फिर आए खान साहब? ठहरो, खाना वहां रख दो। मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुमसे कौन कहता है? खाना मैं खाऊंगा। खान साहब खाना लगा दो। बहुत भूख लगी है, मालूम होता है दो दिन से खाना नहीं खाया। हाँ खान साहब तुम जाओ। क्या पराठा? राणा प्रताप खाया करते थे। ओ रोस्ट मटन। अकबर
वज़ीर-ए-आज़म को बहुत पसंद। नाम ले रहे हैं बहादुरों का और खुद चला रहे हैं छुरी कांटा। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तुमसे कहता कौन, तुम गम खाओ गम। बेशक मोहब्बत में गम ही खाया जाता। हम तो शायद खाया करते थे। डैडी आप मजाक कर रहे हैं और यहाँ दिल का खून हो रहा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते डैडी कि मुझे, मैं सुमन से मोहब्बत करती हूँ। क्यों करती हो उससे मोहब्बत, क्या वजह है? इसलिए कि मुझे पसंद है और फिर देश का सबसे बड़ा पायलट है। और वो तुम्हें जाम में घुमाने ले जाएगा, लेकिन याद रखो वो तुमसे नहीं मेरे 70 करोड़ से मोहब्बत करता है। जी हाँ, जो भी मुझसे मोहब्बत करता है आप उसके बारे में ऐसे ही कहते हैं। मैं क्या, उस कमबख्त के लिए सारी दुनिया यही कह रही है? भगवान झूठ ना बुलवाए तो ये उसकी तीसरी मोहब्बत है और जब भी की करोड़पति की लड़की से की। वो उनमें से किसी से भी नहीं करता था और अब भी किसी से नहीं करता। अरे तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें तू हमें बुलाते। जो हुकुम। इशारे ले चलो माझी किनारे।
है अचंभा, ओ टिंका टिंबा टिंबा, ओ टिंका टिंबा टिंबा, आगे कभी है अचंभा, ओ टिंका टिंबा टिंबा। कश्ती खाली वापस आ रही है, मेरा ख्याल है बेबी को पकड़ नहीं सकती। कश्ती, मैं कहता हूँ मेरी बेबी को एरोप्लेन भी पकड़ नहीं सकता, आखिर वो मेरी बेटी है। आया ख्याल के बीच में? जी हाँ, आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं। सब नहीं, सिर्फ सेठ के दाईलाल की लड़की कहो। लेकिन कब तक तेजी दिखाएगी, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, घूम फिर कर वापस आ जाएगी। लेकिन हुजूर आप भूल रहे हैं, हीरे की अंगूठी तो उनके हाथ में है। क्या कहा, हीरे की अंगूठी? अरे मार डाला। कैप्टन, तमाम दोस्तों को खबर कर दो, अखबारों में तस्वीर छपा दो, रेडियो पे अनाउंसमेंट दे दो, सुमन की हर चाल पे नजर रखो, समझे? यस सर। ऐलान सुनिए, पब्लिक को खबर दी जाती है कि करोड़पति सेठ गिरधारी लाल की बेटी कम्मो कल उनके जहाज से कूदकर भाग गई है। जो कोई उसका पता लगाएगा उसे 125,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये रेडियो सिलोन है, अब हमारा फिल्मी प्रोग्राम शुरू होता है। जी जी हाँ, मैं हूँ सागर, आपके अखबार नया संसार का लेखक। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जितनी कहानियां भेजी हैं सब की सब मोमिल और बकवास है। तुम्हारी कहानियां पढ़कर ही मैं बीमार पड़ा हूँ, और अब बेंगलोर चेंज के लिए आया तो यहाँ भी दम नहीं ले देते। अजी, आपके जो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत ही उम्दा है, तबीयत खुश हो जाएगी सुनके आपकी। चौक से भेजिए, मैं बगैर पढ़े रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। जी अच्छा, तो आप यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, शौक फरमाइए। जी हाँ, अभी हाजिर होता हूँ जी। खबरदार जो यहाँ है, पर अक्सर छोड़ दूंगा। सुनिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये कहानी सच्ची है, आखिर आप मानते क्यों नहीं? जी बहुत हूँ, वही आके सुनाता हूँ। अजी तबीयत ना फर्क उठे तो सागर नाम नहीं, याद रखिए 1,00,000 रुपए से कम फायदा ना होगा, और मुझे सिर्फ 1,000 रुपया चाहिए। अच्छा, सिर्फ 1,000 रुपए? देखिए, कल एक जोशी ने मेरा हाथ देखकर मुझे बताया है कि मेरी हाथ की रेखा में एक टटपूंजी लेखक का खून नजर आ रहा है, आप जरूर पधारिए। जी हाँ, जी जी जी, बिगड़ते क्यों है, टेलीफोन रखे देता हूँ।
अब फोन करने की क्या जरूरत है, मुलाकात तो हो ही रही है। क्या कहा? जहन्नुम में? जी नहीं, जहन्नुम में नहीं, बंगलोर में मुलाकात हो रही है। माफ कीजिएगा, आपको नहीं, वो बाहर एक खूबसूरत बड़ा खड़ी है, उसको बड़े बदतमीज लोग हैं। जी आप नहीं, माफ कीजिएगा, मैं कह रहा था कि सामने बस खड़ी है बंगलोर के लिए, मैं अभी आता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ सुमन साहब है? नहीं है? क्या कहा? रेसिस बैंगलोर गए हैं? अम्मा कहना वेणु अम्मा, हमको बैंगलोर जाने का है। देखो तुम एक काम करो जी, तुम एरोप्लेन में फ्लाई करो, जल्दी पहुंच जाएगा। एरोप्लेन में? समझा समझा, तुम्हारा हार्ट बहुत वीक है, परवाह नहीं, डजंट मैटर, देयर इज वन ब्यूटीफुल आइडिया जी, तुम बस में जाओ, फेयर बहुत चीप है। दैट्स राइट, बस स्टैंड किधर है? चलो जी हम दिखाते हैं। नहीं जी नहीं जी, ठहरो जी ठहरो जी, बात यह है जी हम तुम्हारे साथ जाएंगे, इधर हमारे नौकरी जाएंगे जी, हम तुमको बताते हैं। देखो जी इधर से राइट हैंड में जाओ जी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाओ जी, उधर एक पोस्ट का पोल है जी, उधर से लेफ्ट में जाओ जी, हाँ, और लेफ्ट से फिर राइट में जाओ जी, उधर एक सिनेमा है, राक्षसी सिनेमा बोलते जी, उधर से यूं घूम करके जी तुम अमा 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 टिकट प्लीज। जगह पर बैठ जाइए साहब। जाऊं कैसे? पैरों से चलकर। मगर आप जो बीच में खड़े हैं, यहां एक चिड़िया नहीं गुजर सकती, मैं तो अच्छा खासा इंसान। संभल के कहीं बेचारे का दम न घुट जाए। माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा तो आप अंग्रेजी भी बोलते हैं? प्लीज टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। तो आपके पास टिकट नहीं है? जाइए। ये क्या बदतमीज, ये जगह मेरी। आपकी जगह? जी हाँ। कंडक्टर, इन जगहों पे क्या मुसाफिरों के नाम लिखे हुए हैं? जी नहीं। कंडक्टर ये जगह नपी तुली है कि इस जगह पे सिर्फ आधा ही आदमी बैठ सकता? जी हाँ। जी नहीं। क्या बदतमीजी है जी? सफर फरमाइएगा तो खानदान का कोई मोटा आदमी अपने साथ बैठा लीजिएगा, वरना ये खूबसूरत सी नाक टूट जाएगी। सर क्या है? मिस्टर सुमंत का खत। सुबह सुबह किस मनोज का नाम लिया? बेबी का कोई पता चला? जी नहीं, तमाम अखबारों में तस्वीरें छपवा दी गई, सब दोस्तों और अजीजों को तार दे दिए गए, अब कामयाबी भगवान के हाथ है। याद रखो अगर बेबी जल्दी न मिली तो तुम लोगों की तनख्वाह भी भगवान के हाथ है। भगवान अब इस भगवान की मदद करो और जल्दी 1,25,00,000 के नाम इधर भेज दो। तुम नहीं जानते भगवान आजकल यहाँ बहुत कड़की चल रही है, अब तुम ही बताओ ये छकड़ा कहाँ तक लेके फिरा करो। भगवान अगर तुम्हारी एक नजर हो जाए ना तो बंदे का तो बेड़ा पार हो जाए। अरे यू नहीं। अब फिर कैसे? ऐसे। Thank you.
अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी। पैसे पैसे को जवानी मेरी तरसे, पैसे पैसे को जवानी मेरी तरसे, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, ओ मेरे घर से। करने वाले राम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने पे नाम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने पे नाम जी। कैसी प्यारी है खबर अखबारों में, कैसी प्यारी है खबर अखबारों में, लक्ष्मी देवी होंगी अपने इशारों में, लक्ष्मी देवी होंगी अपने इशारों में, होगा बंगला हमारा भी सितारों में, होगा बंगला हमारा भी सितारों में, सितारों में। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी। ऐसी कड़की में ये बोझा दो जनों का, ऐसी कड़की में ये बोझा दो जनों का, आधा साझा हुआ थोड़े से जनों का, आधा साझा हुआ थोड़े से जनों का, कभी आया ना वो दिन सपनों का, कभी आया ना वो दिन सपनों का, सपनों का। हेर फेर करने वाले राम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी। अरे तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी, सवा लाख की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी। राम फरमारी ने दूसरे को जगा दिया। चलो चलो होती है। Mm-hmm.
लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? आप स्वर्ग में और मैं जहन्नुम में। क्या मतलब? मतलब ये कि रात भर आप मुझे तकिया बनाकर सोती रही और मैं जागता रहा। ओ माफ कीजिएगा। जाइए माफ किया, बहुत सी रातें बेकार गई हैं। एक और से बस आधा घंटा रुकेगी। कंडक्टर जी, सिर्फ आधा घंटा? जी। आपको इतराज? आप खामोश रहिए, आपसे कौन पूछता है? अगर मुझे मालूम होता कि आप इतनी बेमुरब्बत हो तो सोते हुए कंधा हटा लेता और इस खूबसूरत सी नाक के टुकड़े उड़ जाते। कंडक्टर जी, देखो हम बाहर जा रहे हैं, अगर देर हो जाए तो हमारा इंतजार करना। जी जी, सफर करेंगी बस में और ख्वाब देखेंगी हवाईजहाज का, देर हो जाए तो हमारा। जी मेरा भी इंतजार करना, आपका भी इंतजार करना। जर है इनके बाप का नौकर हूँ। कंडक्टर हूँ कंडक्टर, कोई ऐसा वगैरह नहीं। देख लिया ड्राइवर मेरे साथ, इन लोगों ने क्या कर रखा है। क्यों जी, अगर भगवान अपनी लीला दिखा दे और इलेक्ट मिल जाए तो 1,25,000 रुपया होगा जेब में। 1,25,000,000 समझी? जब से तुम्हारे साथ शादी की है ऐसे न जाने कितने ख्वाब देख डाले हैं तुमने, पर जब आंख खुली तो अपने को चने खाते पाए। तूने अपने घर से क्या लेकर आई थी जो जबान चला रही है? लाज नहीं आती झूठ बोलते हुए? भगवान नाम रख लिया है, मैं जो लेकर आई थी उसी से यह ऑटो खरीदा गया है और इसी पर रोटियाँ चल रही है, नहीं तो भैरव नाच गई होती। अरे इस वक्त तो ये तस्वीर मेरे मन में नाच रही है। कहाँ तुझे पाऊँ, कहाँ तुझे दो 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 दो। अरे मिल गई, प्लेटरी मिल गई। अरे 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 अरे, वाह 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 वाह, चलिए चलिए। बदतमीज कहीं का। अच्छा हुआ आज की मेहनत उसने बजट, मेरा हाथ में दर्द बहुत था। अच्छा, अरे और तुझे छोड़ दिया वरना मच्छर की तरह मच्छर लेता, मच्छर की तरह समझी। चलो नाश्ता हाजिर है, शौक फरमाइएगा। ये क्या है? भुट्टा। भुट्टा नहीं पहचानती? किस खेत की मूली हो? आप चुप रहिए, आपसे कौन पूछता है? क्या मतलब? आपकी नजर गुजर कब फेंक दिया, खाता तो पेट में दर्द होता। एक भुट्टा देना तो। रानी जी पछताएंगे, वही चने के खाएंगे। आप चुप रहिए जी, आपसे कौन कह रहा है? रानी जी पछताएंगे, चने के खाएंगे। ओह ये तो मेज है, यानी कि कॉर्न। इसका कॉर्न सूप बनता है, बिस्किट बनते हैं, पुडिंग बनती है और केक भी बनता है, मकई की रोटी भी बनती है। ये शायद आपको नहीं मालूम। कंडक्टर ठीक कहता था, बैठेंगी बस में ख्वाब लेंगे हवाई जहाज का, खाएंगी भुट्टा और केक पुडिंग याद करेंगे। रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी, रानी जी पछताएंगी। कितने खूबसूरत है, क्यों कह कर रखा है इन बेचारों को? बीबी जी धंधा ही ऐसा है, नहीं तो खाएं कहाँ से? क्या लोगे इन सबका? 10 रुपए। 10 रुपए ये लो, 20 रुपए। भगवान आपको खुश रखे। बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
दिल पर किसी का ना पहरा, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। गिल्लारी बेचारी बेबस हो गई, ड्राइवर भगा ले गया उसे। बड़ा बुरा था ये बस वाला, मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज ना जाना। सच कहती है रानी साहब, बिल्कुल सच कहती है। गुलाम की ये मजाल कि आपका कहना ना माने, दरअसल समझा नहीं आपको ताश की रानी समझ। शुक्रिया,
मगर आप यहाँ किस खुशी में टिक गए? सोचा आपके कुछ काम आ सके। मैं बच्ची नहीं, हरकतें तो ऐसी कर रही हैं मालूम पड़ता अभी अंडे में से चींची करती निकली। मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, आखिर आपने मुझे समझ क्या दिया? मैंने आपको बड़ा अच्छा समझ लिया, काश आप भी अपने आप को समझ सके। ये मेरी तस्वीर मालूम होती है? जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारीलाल है, मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1,25,000 रुपए इनाम मिले। ओह, तो आप 1,25,000 की खुशी में यहाँ टिके हुए? घबराइए मत, जुबान बंद रखिए, बेंगलोर पहुँच के आपको पता दे दूंगी, वहाँ से रुपए ले लीजिएगा। सर्दी और इंसानियत का नाम शायद आपने सुना ही नहीं। आप लोग दुनिया की हर चीज पैसे से मोल लेना चाहते हैं। जी, इंसान तक। वो इंसान नहीं, जिंदगी के पिंजरे में कैद किए हुए जानवर हैं, जानवर। आप सिर्फ जानवरों को खरीद सकते हैं। ए मिस्टर इंसानियत, अब क्या होगा? अजी मैं लिख के दिए देती हूँ, क्या आप बड़े शरीफ और खुददार इंसान हैं, कुछ मुंह से तो बोलिए। ये अजीब इंसानियत है कि बात का जवाब ही नहीं देते। नहीं बोलना है तो अपनी बिरादरी में खड़े होकर कव्वे उड़ाइए। इंसानों से ज्यादा इंसानियत तो इस बकरी के बच्चे में, जिसने मैं करके मेरी बात का जवाब तो दिया। इंसानों की जबान इंसान समझते हैं और जानवरों की जानवर। मैं, ए मेरे प्यारे बकरी के बच्चे, क्या तू बता सकता है कि दूसरी बस कब आएगी? कह रहा है अभी आएगी। ए बकरी के बच्चे, इन मेम साहब को थोड़ी हिंदुस्तानी तहजीब भी सिखा दे। कह दे कि अपने बुजुर्गों का कहना माने, इनके डैडी सच कहते हैं, सुमंत अच्छा लड़का नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए शादी करता है। खामोश रहिए, मैं आपसे ज्यादा समझती हूँ, आपकी राय की जरूरत नहीं। अजीब जानवर लड़की है, बिगड़ जाओ तो खुशामद करती है, समझाओ तो काटने दो।
नाच का भी कोई जवाब नहीं। इंसान सारी दुनिया से गाफिल हो जाता है। सुमन साहब, आपकी मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं। सेठ गिरधारी लाल की लड़की आपकी मोहब्बत में घर से भाग गई और आप यहां मजे उड़ा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। ये तीसरी लड़की है जो मां बदौलत की मोहब्बत का शिकार बन चुकी है। लेकिन गिरधारी लाल बड़ा ही जिद्दी आदमी है। अब की आप आग से खेल रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में 70 करोड़ हासिल करने के लिए आग नहीं तो क्या पानी से खेलना पड़ेगा? रकम मिल जाने दो तो दुनिया की हर नेमत हमारे कदमों में नाच रही होगी। एयर इंडिया इंटरनेशनल की लाइनें तमाम दुनिया की सैर के लिए हमारा इंतजार कर रही होंगी। हर मुल्क पुकार रहा होगा कि कुमार सुमन कहां हो, एक बार तो आ जाओ। अगर इस ख्वाब की ताबीर उल्टी निकली तो क्या हशर होगा? तो कयामत थोड़ा ही आ जाएगी। कोई नया घर ढूंढ लें। हमारा यार जिंदा सोहबत बाकी। तुम नहीं और सही और नहीं और सही। ये भी थी, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आ हा हा हा, क्या शेर हुए हैं। दिले बेताब तमन्नाई है, आओ आओ यूं न मचला करो, निल्लाह करम फरमाओ, जल्दी खैरो तो एक बात तो सुन लो मेरी। मैं ये कहता था, नहीं कुछ नहीं कहता, जाओ। आ हा हा, क्या खूब शेर हुए हैं दोनों शेर। जब तो मैं सोच रहा था कि ये शेर धड़ाधड़ क्यों निकलते चले आ रहे हैं। एक क्या खबर थी कि कालिदास की कविता बाजू में रखी हुई है। श्रीमती जी, मुझे उर्दू में शायर, हिंदी में कवि, अंग्रेजी में पोएट कहते हैं। आपकी तारीफ। वाह वाह, क्या खूबसूरत खामोशी में जवाब दिया। और वैसे तो आपकी तारीफ की जरूरत भी नहीं है। शेर हुआ है, मुलाहजा फरमाइए। के बदली जो नजर तो शक्ल भी पहचानते नहीं, और हुजूर यूं देखते हैं गोया वो कुछ जानते नहीं। शेरा आदावर जी, मालूम होता है आपको शेर पसंद नहीं आया। आपकी कसम मैं हर रंग का बादशाह हूँ। और रंग सुनिए। दर्द उठता है मुस्कुराता हूँ, अश्क आते हैं पर नहीं रोता, और ख्वाब में भी रात के कोई रात भर नहीं सोता। शेर कैसा रहा? चुटकी दांत का नया तरीका है क्या? हाँ, उफ करके दम बहुत तेरा दीवाना हो गया, और दो हर्फ थे कि जिसका ये अफसाना हो गया। इस वक्त शायरी का वो जोश है कि दिल में आग लगी जा रही है। डरता हूँ कहीं बस में नहीं आग लग जाए। अगर आग लग गई तो बुझा दूंगा। मेरा नाम सागर है, चलिए उठे यहाँ से। क्यों? आपके क्यों कहा तो सर पे वो मिसरा पड़ेगा कि काफी तंग हो जाएगा, समझे? ये मेरी बीवी है जिससे आप इश्क फरमा रहे हैं। उठिए यहाँ से। आपकी बीवी? जी हाँ। सारी शायरी किरकिरी हो गई। उठिए यहाँ से वरना इज्जत किरकिरी हो जाएगी। उठता हूँ, बहुत बेइज्जत होकर तेरे पूछे से हम लिखते। पंछी का शायर मालूम होता। दिमाग न चाटे तो आपका शुक्रिया अदा करो। गलतफहमी में मत रहिएगा, मैं तो उस बेचारे को तरस खा के यहाँ आ गया। एक अच्छा खासा शायर आपके करीब बैठकर पागल ना हो जाए। आज
ड्राइवर कहाँ था वाला था? कोई टूट गया है, मरम्मत हो रही है। फिर क्या, जब तक मरम्मत ना हो जाए बस नहीं गुजर सकती। सुनिए हवलदार साहब, सुनिए, कितना वक्त लगेगा? एक रात भी लग सकती है, दस रातें भी। दस रातें? जी। ये लो। सुनिए, यहाँ कोई मुसाफिर खाना वगैरह है? वगैरह तो नहीं, मुसाफिर खाना वो सामने है, श्रीमान बनवारीलाल जी चलाते हैं, लेकिन सिर्फ मियाँ बीवी को मिलता है, अकेले को नहीं। अजी यहाँ अकेला कौन है? तेरी मैं अभी हाजिर होता हूँ। आप अकेली बैठी है? आपके शोहर कहाँ गए? आप फिर आ गए दिमाग चटने, बुलाऊ उन्हें? बड़े शौक से, आप उन्हें बुलाइए, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। पुलिस? जी हाँ, देखिए ना, इधर देखिए, शेर अर्थ है कि मोहब्बत में जो सच पूछो तो खाली इनाम मिलता है, मगर वो वक्त आया है कि इनाम मिलता है। देखिए ना, पूरे सवाल आते हैं, शेर कैसा रहा? जी ओ, ओ, आ गए, वो आ गए। खोपड़ी मचाती है। देख खूबसूरत बला, बस आगे नहीं जा रही, रात भर के लिए सामने वाले मुसाफिर खाने में रहना पड़ेगा। उतरिए नीचे। ड्राइवर साहब फिर हमारा सामान निकाल दीजिए। चलिए चलिए। आप जानते हैं शायर को सब मालूम हो गया, अभी अभी अखबार दिखा रहा था। ये बात है, बड़े पक्के शायर मालूम होते हो। आपकी दुआ से 20 साल से शायरी कर रहा हूँ, ताजा शेर हुआ है, मुलाहिजा फरमाइए कि मोहब्बत में जो सच पूछो तो खाली नाम मिलता है, मगर मगर ये आप हाथ क्यों देख रहे हैं साहब? ये हाथ? हाथ नहीं, हाथ की लकीरें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, देख रहा था कि कितने शायरों का खून लिखा है, 3 शायर मार चुका हूँ अब तक। आप तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे 3 मुर्गे मार चुके हैं। पेशा क्या आपका? डकैती। अरे तेरी की डकैती? क्या कहा, डकैती? मर गए। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? बताता हूँ, शायर की औलाद हमेशा ज्यादा होती है, 5, 4, 9, 11। चुप चुप, मगर आप पूछते क्यों हैं? मेरा कुंबा का कुंबा साफ कर देता हूँ, समझे? नाम भी सुन लो, सुल्ताना डाकू। सुल्ताना? समझे? समझ गया, सुल्ताना डाकू वही जिसने पूरे इलाके नंगा मचा रखा है। नाम तो सुना था, आज दर्शन भी हो गए। उठो, मर्द की तरह नजर से नजर मिला। मगर मैं तो बिल्कुल अंधा हो गया हूँ, मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिक्र मत करो, मैं पिस्तौल चलाता हूँ, उसकी रोशनी में सूरत देख ले। ओह, मगर आप तकलीफ क्यों करते हैं, मैं चला जाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे खानदान के साथ माफी मांगनी होगी। अब बिल्कुल एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा, मगर खानदान को लेकर तो हूँ मैं। अखबार? अखबार? ये तो मेरे लिए मौत की चिट्ठी है, अभी फाड़ देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए बस। किसी से जिक्र किया तो? मैं कोई गधा हूँ? मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, बीवी बच्चे प्यारे हैं। ये लड़की मुझे प्यारी है, मैं इसे भगा कर ले जा रहा हूँ, समझे? बड़े शौक से ले जाएगी, बड़े शौक से ले जाएगी। आप कहें तो मैं आपके शान में कव्वाली लिख डालूं। आहे ना भरी शिकवे न किए, जल्दी से खसकने का नाम लिया, जल्दी से खसकने। कमाल हो गया, घंटों से भिन भिना रहा था, इस मच्छर को किस तरह उड़ाया आपने? दिमाग की एक हल्की सी लहर से जो आपके पास नहीं। गलती हुई, आपके तारीफ की तो आप घास खाना छोड़ देंगे। जी जी, वो मुसाफिर खाना कहाँ है? आंखें हैं या बटन? वो सामने रहा, चले आइए। समझा समझा, तुम्हारी बातचीत से मुझे शक होता है, अगर मियां बीवी हो तो फिर अलग अलग कमरा क्यों? हाँ, वो अलग अलग
बस में झगड़ा हो गया। छी छी छी, कैसी बच्चों की सी बातें करते हो। अगर अलग अलग कमरों में रहोगे तो यह मियाँ बीवी का झगड़ा जिंदगी भर चलता रहेगा। जाओ अपना कमरा पसंद कर लो। हम अलग अलग रहना चाहते हैं। तो फिर कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। जगह कहाँ? मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे बहुत काम करना है। तो कमरा लेना या नहीं? निकालो पांच रुपए। पांच रुपए? हाँ पांच रुपए। कौन कौन से कमरे मिले हैं मिस्टर इंसानियत? कौन कौन से क्या, सिर्फ एक कमरा मिला है। मैं नहीं रहूंगी एक ही कमरे में। फिर जाइए जंगल की हवा खाइए। शर्म नहीं आती आपको? एक ही कमरे में रहेंगे। मुझ में आपसे ज्यादा शर्म, लेकिन क्या करूं, मजबूर। जब तक मियां बीवी ना हो वो कमरा नहीं देता, और अगर मियां बीवी हो तो एक ही कमरा देता है। तो आपने यहां भी कह दिया कि हम मियां बीवी हैं? चख मार के कहा, मुझे कोई शौक नहीं आपको बीवी बनाने का, समझी? मैं नहीं रहूंगी इस कमरे में। कौन खुशामद करता है? क्या कर रही हो बिटिया जी? ऐसे राम राम राम, बुरी बात। अरे मियां बीवी के झगड़े क्या हुआ ही करती। जाओ अपने कमरे में जाओ। जी जी नहीं, रात का वक्त है, बारिश होने वाली है। अरे हाँ, यहाँ कभी कभी बड़े बड़े नाग निकल आते हैं बिटिया। निकल आने दीजिए। शरीफ लड़कियां यूं अंधेरे में अकेली खड़ी नहीं होती बिटिया, कोई क्या कहेगा। देखो मैं बहुत सख्त आदमी हूं, चलो अपने कमरे की तरफ। जी चलो, सीधी तरह नहीं तो हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ चलो। छी छी, ये आजकल के नौजवान अनाड़ी शोहरों ने खुशामद कर करके अपनी बीवियों का दिमाग खराब कर दिया। जी चलो चलो आगे बढ़ो। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? बड़े बदतमीज शौहर हो, बीवी को अकेला छोड़ दिया और बारिश होने वाली है। क्या करें, कितना समझाया मानती नहीं। नहीं मानती तो दो हाथ मारकर ठीक करो। बिल्कुल, अब यही करना। चलो अंदर चलो चलो। ये मालूम होता है माँ बाप ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया। यही बात। अब तुम क्या कर रहे हो? चलो दरवाजा बंद कर लो। दरअसल दरवाजा दरवाजा बंद कर लो। ये नहीं खूबसूरत बला, ये देखिए, ये रहा आपका कमरा और ये रहा मेरा कमरा। मैं नहीं रहूंगी यहां। आखिर आप क्या समझ रही हैं अपने दिल में? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी खूबसूरती, आपका पैसा, कोई चीज मेरी नजर के सामने नहीं। मुझे सिर्फ एक ही लालच है आपसे, और वो है इस सफर की खूबसूरत सी कहानी लिखो, वो कहानी अखबारों में छपे और देश भर में मेरा नाम हो, समझी? तो आप किसी अखबार के एडिटर हैं? जी नहीं, लेखक हूं। तो ये लालच है आपको? तब तो मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी, अभी कूदती हूँ इस दीवार से। शौक फरमाइए, ज्यादा से ज्यादा पैर टूट जाएगा तो उठा लाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस कहानी का नाम खूबसूरत बला के बजाय लंगड़ी बला हो जाएगा। रहम कीजिए अपनी। सूरज देखिए मालूम होता 12 बज रहे हैं। जी दरअसल
आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। मेरी मानी घर वापस चली जाए। इस आदमी के लिए ये सब कुछ करें वो आपके लायक नहीं। आप कैसे कैसे? मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर की नजर से किसी के कारनामे नहीं छूटते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुमन कैसा आदमी है। आपसे पहले सेठ मोहनलाल की लड़की, उसके बाद रायबहादुर की भतीजी, और अब आप। शर्म नहीं आती आपको किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? ये मेरी जिंदगी, मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले? सावन के अंत को हरा ही हरा नजर आता। मत मानिए, जिस दिन ठोकर खाइएगा उस दिन याद कीजिएगा किसी भले आदमी ने आपसे कुछ कहा था। मैं कहानी के बारे में सोचने जाता हूँ, जो जी चाहे सो कीजिए। मौसम का ये सारा
तो मेरी नाजुक सी कविता तुम्हारे पहाड़ जैसे शरीर की कसम। मशायरे से लौट रहा था कि सुल्ताना डाकू से टक्कर हो गई। हाय हाय, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, जंग पूरे 7 घंटे तक जारी रही। वो तलवार चली, वो तलवार चली, वो तलवार चली। अच्छा यही रुक जाओगे या आगे भी कुछ कहोगे? कहना क्या है, जंग बराबर रही और क्या, हम कोई हारने वाले थे? बराबर। हाँ मगर शायर भी कब हार मानता है। मैंने पत्थर उठाया और उसके कान में खूबसूरत सा शेर पढ़ा। शेर का पढ़ना था कि पत्थर एटम बम बन गया। एटम बम? हाँ, और फिर मैंने कहा, कहाँ जाता है सुल्ताना के बच्चे, अभी तो दांत भी हैं तेरे कच्चे। कहा उसने कि बच्चे मार दूंगा। सुनो तो सही, और मैंने भी चैलेंज दे दिया। कहा मैंने कि दुनिया हार दूंगा। कहा उसने कि लूंगा बदला आके एक रोज। तो मैं भी बोला कि तोड़ दूंगा तेरी नोक। नाक नाक। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सारे खानदान को ले जाकर उससे माफी मांग लो, तब मैं चैन की नींद में सोऊं। डाकू का कोई भरोसा नहीं। तो माफी मांग लो ना, मांग लो माफी। आहा। मैंने आपसे अर्ज तो किया कि सिर्फ एक नौजवान मियां बीवी के सिवा यहाँ और कोई नहीं। चाचा, लड़की की सूरत कैसी है? देखो मैं नौजवान लड़कियों को गौर से देखना बुरी आदत समझता हूँ। हर आदमी तुम्हारी तरह उल्लू थोड़े ही होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, उल्लू नहीं होते हैं, लेकिन हर आदमी मेरे जैसा नौजवान भी तो नहीं होता है। आपने मुझे बूढ़ा समझ रखा है? डंडा मारो तो एक सर के 4 सर कर दूंगा। हाँ सुने 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 सुने, देखिए हम लोग शरीफ आदमी हैं, हम लोग अंडे वंडे से बातचीत नहीं क्या करते। जरा मुंह से कहिए ना जो कुछ कहता है। हमको शक है कि ये लड़की भगाई हुई है। हाँ, और हम अपना शक दूर कर जाते हैं। क्यों जी? अरे कह तो चुका हूँ, वो मियाँ बीवी है। उनकी शादी का पंचनामा देखा है आपने? देखा है आपने? बताइए बताइए जी। नहीं नहीं ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो शादीशुदा है? हाँ शहर जाइए तो आपको पता चलेगा। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियाँ इस तरह घूमते हैं जैसे सगे मियाँ बीवी हूँ। हाँ? अरे साहब क्या अजीब जमाना आ गया है। जाने वाले खुद तो चले गए मगर हमें उल्लू बनाकर छोड़ गए। राम राम राम। आओ मेरे साथ आओ। ए खूबसूरत बाला, जल्दी से उठिए। क्या करते हैं, सोने दीजिए। क्या करते हैं, सोने दीजिए। अजी गजब हो गया। होने दीजिए। आवाज सुन रही? नहीं सुनती। मैंने कहा जी कुछ लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो जाओ। आइए आइए आइए। अजी सुनती हो, कुछ लोग हमसे मिलने आए हैं। कपड़े बदल रही। नहीं आऊंगी, तुम लोगों को बीवियों का जरा भी ख्याल नहीं रहता। 3 रात की थकी हुई हूँ, जगा दिया। तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये पिता का घर नहीं पति का घर है। तो मैं आज ही जा रहा मायके। तो चली जाओ, रोकता कौन है? मैं अभी चली जाऊंगी मायके, बता देती हूँ। मत आना, दूसरी शादी कर लूंगा। किसको डराता है बे, जेल भिजवा दूंगी। जेल? जेल भिजवाओगी? देख सुन तो। यही माँ बाप ने सिखा कर भेजा तुम्हें। देखा आपने, फिर झगड़ा शुरू हो गया। बोलो है ना मियाँ बीवी? इस कमबख्त के हर सुबह शाम आती है। कल भी एक लड़की ने मारा था और आज भी सुबह सुबह यहाँ पिटेगा। पहले सोचना चाहिए था। अब उन्हें से क्या फायदा? अरे आग लगाई है तो बुझाओ जाकर, इसे क्या भेज रहे हो? मुझे शर्म आती है। जा जल्दी। मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या चाहते हैं? क्या ये बात? बात ये है, आप बीवी कहाँ है? मेरी बीवी? आपसे मतलब? मतलब ये है कि जरा माफी कैसे? माफी तो होती है, माफी
माफी। माफी काहे की दोस्त, हम शोरों की किस्मत ही ऐसी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बंधु सुबह से शाम तक काम करो और रात को आके चाटे खाओ। बड़ी बुरी हालत है हम लोगों की, और फिर इन मोटी मोटी गालों पे चिपक जाती होंगी उंगलियां। मैं सच कहता हूँ, मैंने आज तक हजामत नहीं की। नाजुक नाजुक उंगली तो रोज सुबह हजामत होती है। शायद आज हजामत नहीं हुई। हुई थी बंधु, सुबह सीधी हजामत हुई थी, अब ये उल्टा हाथ पड़ा। चला चौको तो। अजीब बुजदिल जमाना आ गया है, बीवी मार रही है और शौहर भाग रहा है। राम 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 राम। ये क्या बदतमीजी थी? आपने मुझे मारा क्यों? पहले आपने मारा। जी नहीं, पहले आप चुप रहिए। आप चुप रहिए, आखिर माँ बाप ने बिगाड़ रखा है। चुपके से नाश्ता कर लीजिए, मैं बस के लिए पूछ कर चलूंगी। माफ कीजिए, मैं उन शौहरों में से नहीं जो अपनी बीवी को अपनी तुम के साथ बांधे फिरते हैं। मैं आपकी बीवी नहीं हूं। किसी की तो बीवी बनोगी और भगवान बचाए उसको। गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती दूसरों के बाप को अपना बाप कहते हुए? आज नहीं तो दो दिन बाद बन जाइएगा। देवी की कोई खबर मिली? जी नहीं। बड़े अफसोस की बात है। अफसोस नहीं, खुशी की बात है। कम से कम आप जैसे लंगूर से तो बची हुई है। लंगूर? ये सूरत ना जाने कितनी लड़कियों का दिल तड़पा चुकी है। जी आजकल की सब लड़कियां अंधी होती हैं, वो सिर्फ सूरत देखकर तड़प उठती हैं। जब हरकतों से वास्ता पड़ता है तो जूते से मुंह पीट लेती। मैं उन लोगों में से नहीं हूं डैडी। आखिर आप कोशिश क्यों नहीं करते कि आपका पैसा और मेरी शोहरत दोनों के सारी दुनिया को उलट सकती है? हुजूर, जब इतनी ही शोहरत है तो सारी दुनिया को बिना पैसे क्यों नहीं उलट देते आप? इसलिए कि खाली शोहरत से दुनिया नहीं उल्टी जा सकती। दुनिया को उल्टे या न उल्टे, मुझे जरूर उलट दिया है तुमने। लेकिन याद रखना, अगर मेरे दांव पे चढ़ गए तो वो पटका नहीं दूंगा कि जिंदगी भर याद रखो। आखिर आप सुलह क्यों नहीं कर लेते जबकि मालूम है कि हार यकीनी? मैं उन लोगों में से हूँ जो मरते मरते भी लड़ाई जारी रखते हैं। जिंदगी भर यही कोशिश रहेगी कि बेबी की शादी तुम्हारे साथ न हो। और अगर इस पर भी कामयाबी ना हुई तो फिर ये मेरी किस्मत की हार होगी। चली गई है, चली गई, यहाँ किसे परवाह। तड़पूंगा, तड़प। मैं भी तेरे साथ साथ तड़पूंगा, चीजें करके पछताता हूं। कहां गायब हो गई थी? मैंने कहा जी कहां गई थी? साड़ियां लेने। साड़ियां लेने? औरतें भी क्या खूब चीज है, घर में खाने के लिए ना हो लेकिन शॉपिंग जरूर करेंगे। पैसे कितने बचे? एक रुपए दो आने। मजे कीजिए, बस पांच रोज और नहीं जाएंगे। फिर रहेंगे कहाँ? हवा में? पैसे तो आपने खर्च कर दिए। तो क्या आपके पास कुछ पैसे नहीं थे? बगदाद बैंक में भूल आया। पैसे या ऊंट? बातें ना बनाइए मेरे साथ, ये सामान उठाइए और चलिए यहाँ से लेफ्ट राइट करते हुए। इतनी दूर? जी हाँ। मगर रास्ते में खाएंगे क्या? रेशमी साड़ियां। ओ मिस्टर इंसानियत। फरमाइए खूबसूरत बला, आपका नाम क्या है? कुछ भी हो आपकी बला से बताइए ना। सागर। सागर? सचमुच यही असली नाम है, यानी कि समुंदर? जी इतराज है आपको? चेहरे पे पानी और तूफान के आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आते, मालूम होता है खाक उड़ रही है। मोहब्बत के उल्लू को हर बस्ती वीराना नजर आती है। खाक ऐसी जिंदगी, वो कहीं और तुम कहीं। मिस्टर, ये आपसे तुम पर क्यों उतर? इसलिए कि तुम छोटी। फिर मैं भी तुम कहूंगी, याद रखना। जी नहीं, तुम आप कहोगी, याद रखिए। तुम कुत्ते की तुम। Oh,
से इंसानियत हो? आपके भाई बहन बुला रहे हैं। मिस्टर इंसानियत सुनिए तो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को खिलाइए। खा तो रही हो, और क्या चाहिए? सुनिए, ये तो भुट्टा है, खाने को कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है जो लाखों का पेट भरती है? रही जायके की बात तो ये रख, खा लो। ओहो, इतना सारा आपने क्यों तकलीफ करवाई? सागर, सागर, अब मैं बहुत थक गई, मुझसे नहीं चला जाता। देखो सामने गांव है, नाला पार करो, वहां पहुंचकर अपने डैडी को तार दे देना, पालकी भेज देगा बिटिया रानी के लिए। ओह, ये तो मर जाऊं फिर भी नहीं होगा। तो फिर खामोशी से चलती रहो। इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस अभी से थक गए? बेचारे देहात वाले 50-50 मील रोज चलते, आज देखी गरीबी क्या होती। देखी और बहुत पसंद आई। फिर रोती क्यों? सूरत ही ऐसी। सागर, एक थोड़ी देर तो आराम कर लेने दे। अच्छा, ये तुमसे तू पर उतर आई? चलो चलो उठो। चलो उठो, रात हो रही है, उस पार पहुंचना है। पार तुम्हारे रिश्तेदारों ने कोई बंगला बना रखा है क्या? जहाँ जाके टिकना है? ये नहीं, उस पार तुम्हारे बाप का महल है ना। देखो जी, सवाल सवाल की बात करो। चुप रहो। तुम चुप रहो। देखो मैं 3 गिनता हूँ, अगर नहीं आई तो। तो? सागर, छोड़ दो मुझे, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, छोड़ दो मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे। लगन की ये बात है, प्यार की राह रसम की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ, मुझसे न पूछो कि तुम
कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आती हूँ, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में समाती हूँ। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। बड़े मनहूस सितारे थे जब तुमसे मुलाकात हुई। सागर, 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 कहां चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? अगर मैं डर से मर जाती तो? तुम भूख से ना मर जाओ उसका इंतजाम करने गया था। देखो तो मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। अच्छा देखो अब ये बताओ कि तुम्हें भूख ज्यादा है या डर? अब तो ना मुझे भूख ही ना डर। लेफ्ट राइट डिब्री टाइट। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय। कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना। कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना। आए दे दुनिया और दुनियादारी, आखिर पड़ा सर झुकाना। पापा अरे चुप। ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, पर साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय। गाते हुए हम चले हैं, ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं। गीत गाते हुए हम चले हैं, ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं। दिल में बिठा लो ऐ दुनिया वालों, हम भी बड़े मन चले हैं। पापा है तेरे की। ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर,
और लाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय। क्या हुआ? इधर जंगल में कहाँ मरने जा रहे हो? सीधा रास्ता क्यों नहीं चलते? जानती है क्या है? क्या है? दो कब्रें बुजुर्गों की। हाँ? कहाँ? हाँ, जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है। अच्छा? मेरी माँ के बच्चा पैदा नहीं होता था। तो तुम कैसे पैदा हुए? तुम तो ले, उन्होंने यहाँ आके दुआ मांगी, बस फिर से मैं पैदा हो गया। बड़ी गलत दुआ मांगी, ना तुम पैदा होते ना मेरी जिंदगी तबाह होती। अरे अरे, अगर मैं नहीं पैदा होता तो जिंदगी भर बिना पति के भटकती रहती, समझी? जब से बात कर, कब्रें करीब है। कब्रें करीब है, चलो जूते उतार फिर आगे। कार उड़ा लेगा तू? ए बिगड़े काम बनाने वालों, ए मीठी नींद सोने वालों, अगर कोई लड़की मिल गई और हमें सवाला की थैली वसूल हो गई तो आपके कब्रों में 5 पैसे मिठाई, 5,000 रुपए की मिठाई। आहिस्ता आहिस्ता, दुआ कबूल हो गई तो दुआ निकल जाएगा। कंजूस कही, 10,000 रुपए की मिठाई बांटूंगी। 10,000 रुपए? सुन, अगर यही बात है तो वहाँ 2 के बजाय 3 कब्र नजर आएंगे। क्या कहा है? मैंने भी कहा कब्र के बारे में आएगी। अच्छा बाबा, अच्छा करीब चलो, करीब चले। अरे कब्रों की मिट्टी को ले गए। क्या करते हो? ठीक कह रहा हूँ भाई, पहले बड़ी बड़ी कब्रें थी, अब छोटी हो गई। मेरा ख्याल है वो नया घर बना रहा है। क्या चाहते हो तुम लोग? देखा हुजूर, मुझे देखे हुए बैठे। दुआ कबूल हो गई, मांगने में क्या मांगना है? हुजूर आप तो जानते हैं उस लड़की। हम सब जानते हैं तुम सेठ गिरधारी लाल की लड़की कम्मो को ढूंढने निकले हो। 1,25,000 रुपया इनाम मिलेगा। तो सुनो, तुम गलत जगह भटक रहे हो, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। अगर अपनी दुआ कबूल कराना चाहते हो तो मानो पीर फकीर की बात और जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना वो लड़की भाग जाएगी। जल्दी चले जाओ मैं कहता हूँ, मान लो पीर फकीरों की बात। ये आवाज ऊपर से आ रही है। सागर, ओ, मिल गई सवाला की थैली। ओ महाराज, पुलिस बुलाएं क्या? तेरी तरह घर चलना है, चली जाए यहाँ से, वरना वो मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखे। अरे डराना किसी और को, छोड़ के मेरा याद रखा पूरा होगा, वरना ठीक न होगा। अपनी खैर मना मुझसे क्या कहती है? मना करो अपनी बीवी को। मैं कहीं को मना करूं? अब मजा आ रहा है मुझे, तो मजा आ रहा है आपको? बहुत मार खाएगी, बड़ी गुस्से पर लड़की, बता देता हूँ। अरे सुनो, चलो सुनो, मैं 4 साल से मौका देख रहा हूँ, कम से कम 4 घंटे से पिटने से मेरी बीवी को मजा आएगा। ये शाबाश, अब भी मान जा, नहीं तो बहुत मान। अरे जा जा, बहुत देखती है तुम्हारे कौन है वो? बाइक को तुम्हारा नाम क्या बता दे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अरे गलत रहेगा, नीचे वाले को पकड़ा इसको। ये
आपकी टोपी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आपने माफ कर दिया ना, पूरा खानदान आपकी खिदमत कर रहा है। अजी माफी क्या, अब तो आपकी शान में मुझे कवाली लिखनी पड़ेगी। आहे ना भरी शिकवे ना किए, चुपके से खटक में कर नाम लिया, चुपके से खटक में। एक और नई मुसीबत। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। चलिए हर वक्त एक नई मुसीबत आती है। क्यों, अब क्या हुआ? बहुत थक गई। घबराओ नहीं, वो देखो बेंगलोर 7 मील रह गया है। सिर्फ 7 मील? 7 मील? अभी अभी तो मद्रास से चले थे। समय को कौन रोक सकता है। हाँ, समय समय की बात हुआ करती। हसरत थी कि उड़कर बेंगलोर पहुंच जाऊं। अब बेंगलोर सिर्फ 7 मील रह गया तो पांव डगमगा रहे हैं। मंजिल के करीब पहुंचकर पाउंड डगमगाया ही करते। मुझे तो कुछ और ही मालूम होता। क्या? जैसे मंजिल को छोड़कर मैं अकेली आगे बढ़ जा रही हूं। वो देखो यहां से 2 रास्ते शुरू होते हैं। एक किसी गरीब गांव से जा मिलता है और दूसरा बंगलोर के दौलतमंद शहर से। गांव की सादगी कुछ दिल में इस तरह खुप गई है कि शहर की सब रंगीनियां झूठी नजर आती। औरत जीवन का पतवार है, जब तक ना हो कश्ती नहीं चल सकती। पतवार बेकार है जब तक मर्द के मजबूत हाथ तूफान का मुकाबला करने के लिए ना हो, समझी? ये बात है, तो कीजिए मुकाबला। हटिए आप। संभलो। माफ करना भाई, तीर बेवक चल पड़ा। आपका कोई कसूर नहीं, मैं ही बेवक पैदा हुआ था। कौन है आप लोग? हम दोनों मुसाफिर हैं, मुसाफिर। आप क्या ठहरना चाहते हैं? तब तो मैं बड़ी अच्छे वक्त पैदा हुआ था, कितने रोज ठहरिएगा? ये 2-4 दिन। कौन है ये लोग? कौन है ये? आपने पहचाना नहीं? बीवी मालूम होती जी। आपकी बीवी? जी हाँ जी, मुसाफिर हैं, अपने यहाँ ठहरना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ ये है कौन लोग? जरा इसका बोलो, मियाँ बीवी होंगे। मैं हर ऐरे गहरे को ठहराना नहीं चाहती। शक्ल देखो, बला मालूम होती है बला। क्यों अपनी कौम को बेकार बदनाम कर रही हो? खामोश हो जाओ गिरधारीलाल जी, वरना 2 दांत और तोड़ दूंगी। माफ कीजिए, ये दांतों का हिसाब किताब आप बाद में करते रहिएगा। मेहरबानी करके हमारा कमरा दिखा दीजिए। मेहरबानी करके हमें पैसे दिखा दीजिए। पैसे? जिस दिन कमरा खाली करेंगे उस दिन पैसे दे देंगे, और अगर भरोसा ना हो तो हम लोग चले। चलो चलो जी, ये तो वहमी आदमी मालूम होते हैं। नहीं बाबू, माफ कीजिएगा, हमने सोचा था 2-4 रोज यहाँ रहेंगे। 150 इन लोगों को बख्शीश दे मरेंगे, मालूम होता है इनकी किस्मत। क्या कर रही हो धन्नू की माँ? धन्नू की मौसियों ने रह रहकर सराय को यतीम खाना बना दिया है। जिधर देखो मौसी, जिधर देखो मौसी, तमाम कमरे खाली पड़े हैं। हटो बाबूजी, आइए आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। सुनिए जी जी, कमरा दिखाने से पहले जरा खाने का इंतजाम। जी हाँ जी जी हाँ जी, इन्हें बहुत भूख लगी। जी हाँ जी हाँ, खाने के साथ घर का घी होना चाहिए जी। बिल्कुल आदमी होगा बाबू जी। ए बाबू जी के सगे, कमरा मैं दिखाती हूँ, चार रोटी पका कर ला। जी हाँ जी पका करूँ। सुनिए तो
क्या है? घर में गेहूं का आटा है। अरे बाजरे की रोटी बनाकर ना, तो इज्जत रख, सबके सामने मार दीजिए। जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। तुम खाओ, मेरी थाली आती होगी। दूसरी थाली नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं कैसे आएगी, दो आदमी और एक थाली, ये कैसे हो सकता है? मदारीलाल जी, ओ मदारीलाल जी, हिंदुस्तान में एक रिवाज है, मियां बीवी एक ही थाली में खाते हैं। मियां बीवी आज एक थाली में बैठकर खा रही, कल मिलेगी तो शायद पहचानोगी भी नहीं। कौन कह सकता है, कौन किसको नहीं पहचानेगा। लो भाई, अपनी नकली दीवार फिर खड़ी हो गई। हमारी जिंदगी भी क्या है, हर चीज नकली, रिश्ता नकली, मियां नकली है, बीवी नकली है। ए, क्या हुआ? क्या देखी? या तो कोई नहीं, नहीं? क्या सोच रही? कुछ नहीं। मैं समझा तुम्हारा सुमंत कहीं से चला आ रहा है जो मेरी बात भी नहीं। मैं तो कल की बात सोच रही। कल के क्या कहने, कल का दिन भी कितना सुहाना होगा। हम कल तुम सुमंत के पास बंगलोर पहुंच जाओ, पिछड़े हुए दिल मिल जाएंगे, यही सोच रही थी मैं। उनके लिए सोच रही थी जो कल बिछड़ जाएंगे। जिन्हें बिछड़ना ही है उनके लिए गम नहीं किया करते। तो क्या तुम्हें कुछ गम नहीं होगा? गम एक कमजोरी है और अपनी कमजोरी दिखाना मुझे पसंद नहीं। जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ने चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ।
दिन उड़ जाऊं मैं दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं चांद का डोला सजे घूम तारों में मचे झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले चांद का डोला सजे घूम तारों में मचे झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार घूमने लगेगा सुमा घूमने लगेगा सुमा कहता है दिल और मचलता है दिल मरे साजन में चल मुझे तारों के पार लगता नहीं है दिल यहाँ मोहब्बत में कभी कभी वो वक्त भी आ जाता है कि जो बात होने वाली होती है वो वक्त के पहले देखी जा सकती है महसूस की जा सकती है जानते हो उसे क्या कहते वक्त की पागलपन तुम समझ रहे हो मगर कहना नहीं चाहते इसलिए कि अमीरी और गरीबी के अलग अलग जज्बात होते हैं तुम ख्वाब देखकर उन्हें जिंदगी बना सकते अमीर हो मैं सिर्फ ख्वाब देख सकता हूँ उन्हें जिंदगी नहीं बना सकता अगर तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अमीर भी इंसान होते हैं उनके सीने में भी धड़कता हुआ दिल होता है सिर्फ अपनी धड़कने गिन सकते हैं किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते तुमने सिर्फ ख्याली कहानियां पढ़ी ख्याली कहानियां लिखी तुम जिंदगी नहीं समझ सकते ये भी हो सकता है कि जिंदगी मुझे ना समझ सके जिंदगी को समझाने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो कुछ तुम देख रहे हो ख्वाब नहीं हकीकत है हकीकत नहीं हकीकत से दूर रहने वाले मुझे हकीकत समझा ले ए, बहुत हो चुका जानती हो कल सुबह बंगलोर पहुंच रही अब ये मजाक छोड़ तुम औरत के दिल को कभी नहीं समझोगे कभी ये समझने की कोशिश तो की होती जो तुम्हारी हर नहीं पर मर मिटी हो अगर कभी भूले से हाँ सुन ले तो उसकी खुशी और प्यार की क्या इंतहा जो तुम्हें इंसान से तो क्या भगवान से भी ना मिले कमो सुनती हो तुम सच कहती हो मैं बहुत देर से बात समझता हूं ऊंधी खोपड़ी है ना मेरी ए नाराज हो क्या सुनो मैंने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लें बल्कि फौरन ही आज ही अरे नहीं आज कैसे कर सकते हैं शादी करने के लिए पैसा चाहिए पर तुम तो जानती हो कि अपने पास ये बिल्कुल इल्ले है और तुम घबराओ नहीं बेंगलोर में मेरा एडिटर रहता है मुझे यकीन है कि वो मुझे पैसा दे देगा सुनो कम्मो सोचता हूँ कि अभी चला जाऊं सुबह तक पैसा लेके वापस आ जाऊं
तब तक तुम मेरा यही इंतजार करना। तुम भी तो कुछ कहो ना। ए सॉरी, तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा पेट्रोल के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? महाराज, अजीओ महाराज, नमस्ते। नमस्ते, कितना पेट्रोल चाहिए? ज्यादा नहीं मांगता, सिर्फ 2 गैलन। जितना चाहे उतना दे दो, यहाँ तो दरिया बह रहा है। सागर नाम है, लेकिन दरिया में हाथ धोने के लिए पैसे नहीं है महाराज। पैसे नहीं है तो क्यों तंग करने आए हो? सुनिए सुनिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप चाहे तो मेरा बैग रख लीजिए, लेकिन पेट्रोल दे दीजिए। नहीं, एक टोपी भी ले लीजिए। हाँ, जरा देखिए तो सही आपके सर पर कितनी अच्छी लगती है। अजी, जिधर से गुजर जाइएगा कत्ल कर दीजिएगा। अगर पैसे न लाए तुम, बैग और टोपी आपकी। दूंगा नहीं, बताया देता हूँ। मंजूर है। अच्छा, कौन है? आपका दीवाना सागर, मशहूर है जमाना। अच्छा, तो आप हैं। अरे ये क्या गजब कर रहे हैं आप? अगर सागर मर गया तो सारे एडिटर प्यासे मर जाएंगे। अजीब, वो दूर की कौड़ी ढूंढ कर लाया हूँ कि सारे अखबारों को पानी भरवा देंगे आप। एडिटर साहब, ये सेठ गिरधारीलाल की लड़की की खबर है। ये खबर आपको आज मिली है? वो सुमन से शादी नहीं कर रही। आपसे कर रही है? जी हाँ, यही तो आपसे कहने आया था मैं। खा खा गए हो, चले जाओ यहां से। क्या कहा तुमने? सेठ गिरधारीलाल की बेटी तुमसे शादी कर रही है? जी हाँ, अगर आप मुझे 1,000 रुपया दे दें तो आज, बल्कि अभी अभी मेरी शादी हो सकती है। 1,000 रुपया, सिर्फ 1,000। निकल जाओ यहां से। सुनिए, निकल जाओ यहां से। सुनिए, बैठिए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको सब सुना दो। एक हसीन सुबह जब मैं बस में बैठकर बंगलोर आ रहा था, तो ये लड़की घर से चोरी चोरी भाग रही थी। आपको याद है, मैंने टेलीफोन भी किया था। उस दिन की बात है, मैं उसके बराबर बैठा था। ए धनु के बापू, ए धनु के बापू, देख लो इस चुड़ैल को, अकेली पड़ी सो रही है। मैंने तो सूरत देखते ही कह दिया था कि ये लड़की बदचलन है। मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं अगर इसे जलील करके ना निकाला तो। क्या शोर है, क्या हुआ? वे की लड़की शर्म नहीं है ऐसा काम करते हुए? हम शरीफ घर गृहस्थ के लोग हैं। क्या बकती हूँ? सागर कहाँ? यही तो मैं पूछती हूँ।
कहाँ है वो तुम्हारा कलंक का टीका? बीवी को छोड़ तो शहर एक ही रात में गए। चुप रहो, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। सागर बाहर गए होंगे, अभी आके सब कुछ बता देंगे। अरे वो क्या बताएगा, जाकर देख, फटपटिया गायब, कपड़े गायब, पेटी गायब। भाई वाह, बहुत खूब, क्या खूब कहानी है, नशा आ गया। मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, मगर याद रहे अगर ये कहानी झूठी हुई तो जेल भिजवा दूंगा। अजी स्टाम्प पेपर पे लिखे देता हूँ, फांसी चढ़वा दीजिएगा। पैसे निकालिए जल्दी से। ये लो चेक, लेकिन मुझे तो कैश चाहिए। सुबह सुबह मुसाफिर खाने का बिल चुकाना है, शादी का इंतजाम करना है, इसे तो बहुत देर लग जाएगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत जल्दी में हो, मगर होटल के कमरे में 2000 रुपए कैश कहाँ से आए? 10 बजे बैंक खुलेगा, वहां कैश करा लेना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सागर, सागर, हाँ, सूरत देखो इसकी और हरकत देखो, शरीफ बनी फिरती है। कलंक तुम्हें कहेगी, निकल यहां से। मैं करती हूँ, निकल दुनिया भर की दौलत मिल गई है और तू रो रही है। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, आज मुझे मालूम हो गया कि घर से भागना और बुजुर्गों का कहना न मानना इतना बड़ा पाप है जिसे न भगवान माफ करते हैं न दुनिया वाले। बेटी, लेकिन तुमने तो कोई पाप नहीं किया। अगर दुनिया वाले तो यही समझते, मेरे कानों में वो अल्फाज सुने हैं डैडी को सुनने के पहले मुझे मर जाना चाहिए था। तुझे दुनिया की क्या परवाह, मैं तेरे लिए अलग दुनिया बनाऊंगा। नहीं डैडी, कसूर उनका नहीं, कसूर मेरी जिद का था। बड़ा अच्छा था वो जमाना जिसमें लड़की सिर्फ 2 बार घर से निकलती थी, एक शादी के समय
उसके मरने के बाद ऐसा मालूम होता है तेरे दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अरे तू जानती है बेटी, जब से तू गई है तेरे डैडी ने पेट भर के खाना नहीं खाया। चलो बेटी चलो। अच्छा बहन जी नमस्ते। मिल गई? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ 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 क्या ये कहानी झूठी है? कौन है अंदर आ जाओ। अरे भाई तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं उसकी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, उसको हथकड़ी लगवा दूंगा, मैं उसको जेल भिजवा दू। तो क्या आप भी दावा करते हैं कि आपकी कहानी सच्ची है? एडिटर साहब, कभी कभी इंसान कुछ सोचता और वो ऊपर वाला कुछ और ही। खैर आपके रुपए ये रखे, उम्मीद है आप माफ करेंगे। मगर सुनो तो सही, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? इंसान और मुकद्दर को बनते देर लगती, बिगड़ते देर नहीं लगा करती। मोहब्बत अपना काम कर रही थी, नाकामी मुस्कुरा रही थी, थोड़ी सी देर में वो बदल गए। और वो क्या बदले के जमाना ही बदल गया। सागर ये रुपए ले जाओ। जब कहानी अधूरी रहेगी तो रुपए किस लिए? मुझे यकीन है तुम्हारी ये कहानी जरूर करवट बदलेगी। उस वक्त रुपए ले जाऊंगा। जिद नहीं करते सागर, तुम अभी नौजवान हो और जिंदगी की राह बहुत लंबी है। ऐसी नमन कितनी कहानियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी। एडिटर साहब, ऐसी रंगीन कहानी फिर लिखना कहां नसीब। सच में दिल के खून से लिखी थी, अब तो खून के बजाय चंद आंसू रह गए, कहीं आंसुओं से कहानियां लिखी जाती। सागर, दुनिया की बेमिसल कहानियां दिल के खून से नहीं आंसुओं से लिखी गई हैं। मुझे उम्मीद है इस नाकामी के बाद तुम इससे भी अच्छी कहानी लिखोगे। ये रुपए मैं तुम्हें पेशगी दे रहा हूं। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। ये रहा हमारा चोर, इसको अभी पुलिस में दे दो। क्यों नहीं? ओ, आप लोग? जी हाँ, पहचान लिया आपने? जी हाँ, बड़े अच्छे वक्त की यादगार हैं आप लोग। अरे डार्लिंग, चार दिन में ये आदमी कितना बदल गया, जैसे कि चेहरे पर रौनक ही नहीं रही। वो महफिल की रौनक, रौनक लूट कर चले गए। कितनी दिलचस्प बातें करता था, आज बड़ा गमगीन नजर आ रहा है, क्या बात है? मैं खुद सोच रहा था किस तरह आप लोगों से मिलूं और ये ऑटो वापस कर दूं। हाँ 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 वापस कर दूं, खटाना बना दिया वापस कर दूं। हाँ 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 1000 रुपए निकालिए। क्यों जी? क्या करते हो? बेचारे की सूरत तो देखो। अच्छी बात है, रुपया नहीं मांगता, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। मेरे भगवान ने माफ किया। शुक्रिया, मेरे पास रुपए है लीजिए। लीजिए, उठा सामान, उठा उठा उठा। हेलो कम्मो, तुम्हें देखने
अचानक वो आंखें परस गई थी। प्लीज सुमन, इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। हेलो हेलो, यस जस्ट अ मिनट सर, योर ट्रंक कॉल। हेलो स्पीकिंग, सागर। कौन सागर? पैसे पैसे पैसे, रॉन्ग नंबर। सूप में भुट्टा लगा। किस बदतमीज ने भुट्टा लाने को कहा? ले जाके। मैंने कहा है डैडी। तुमने? क्यों? बड़े अच्छे वक्तों की यादगार है भुट्टे। इस गरीबों के खाने में मैंने जो सुख पाया है किसी खाने में नहीं पाया। ये बात है। अच्छा तो बेटी, आज से हर खाने पे भुट्टा होगा। मुझे भी तो दो, देखो। रानी जी पछताएंगी, चने की खाएंगी, रानी की पछताएंगी, चने की खाएंगी, रानी जी पछताएंगी, रानी जी पछताएंगी, चने की खाएंगी, रानी की पछताएंगी, चने की खाएंगी, रानी जी पछताएंगी, रानी जी पछताएंगी, चने की खाएंगी, रानी की पछताएंगी। क्या हुआ बेटी? कम्मो, रसिक बलमा।
नैना ढूंढे है पागल नैना पाए ना एक पल चैना कम्मो, क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो बताओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम, कुछ तो बताओ। बताने से गम गम और बढ़ जाएगा बेटी। बेटी, अगर मेरी सारी दौलत भी तेरी मासूम मुस्कुराहट वापस ला सके तो तेरी कसम मैं उफ़ न करूंगा। जिंदगी की चंद खुशियां ऐसी भी होती जो रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। मालूम होता है मोहब्बत ने तेरे दिल पे गहरा असर किया है बेटी। ठंडी हवा के झोंके का असर सिर्फ महसूस किया जाता, ये नहीं बताया जा सकता कि वो क्या असर छोड़ गया। वो बड़ा ही खुशनसीब है बेटी, जितना मैंने उसे दूर रखने की कोशिश की उतना ही वो करीब आता गया। डैडी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मगर समझ में नहीं आता कैसे कहूं। बेटी, जो कुछ तू कहना चाहती है मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। खाने पे मैं कुछ कहना चाहता था मगर क्या करूं, कह ना सका। ये तो देख बेटी, किसकी शादी का कार्ड है, जरा देख तो। शादी? हाँ हाँ, सुमन के साथ। तू उसे मोहब्बत करती है ना बेटी? तेरी मोहब्बत ने मेरी जिद को जीत लिया। मैं अब ये शादी ऐसे धूमधाम से रचाऊंगा कि सारी दुनिया देखती रहे। बेटी तो मुस्कुराओ कि देखो 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 वो हंसी आई, अब वो हिलने लगी। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत खुश। मैं जानती हूँ आप की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का समय वही होता जब उसकी बेटी के हाथ पीले होते। भगवान ने आपको बेटे का सुख नहीं दिया, सिर्फ एक बेटी ही थी। उसने आपको खुशी पहुंचाना तो दरकिनार ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां शादी के समय और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और इस सब की जिम्मेदारी मुझ पर पड़ती। नहीं बेटा, मैं पैदा क्यों हुई डैडी, मैं पैदा होकर मर क्यों ना गई। बेटी, ऐसी खुशी के मौके पे तू रो रही है। मैं शादी से बहुत खुश हूँ, मैं शादी से बहुत खुश हूँ। तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटी, तेरी खुशी मेरी खुशी है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। Thank you.
मन भावन के घर जाए बूढ़ी मन में धरवाए बूढ़ी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हम न भुलाना हम न भुलाना हमें न भुलाना हमें न भुलाना मन भावन के घर जाए बूढ़ी मन में धरवाए बूढ़ी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें न भुलाना हमें न भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना तेरे आंगन बजे बधाई डोरी क्यों ना चल पाए डोरी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना अब हम तो हुए बनाए गोरी दिल तेरे संग जाए गोरी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना जब वापस आए गोरी गोद भरी ले आए गोरी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना मन भावन के घर जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना आप सब रिपोर्टर्स का शुक्रिया अब मेरे पास समय नहीं इसलिए माफी चाहता हूँ लेकिन सेठ जी आपने हम सब रिपोर्टर्स का दिल तोड़ दिया हम देश के कोने कोने से दुल्हन का बयान और फोटोज लेने आए थे सेठ जी हम सब अखबार आपके शुक्रगुजार होंगे अगर दो चार फूल ऐसे जुमले दुल्हन के मुंह से सुन ले और कुछ चांद ऐसी सुंदर तस्वीरें अपने अखबारों के लिए ले जाए बात फूल के खिलाफ जरूर है लेकिन आज शुभ दिन आप लोगों का दिल तोड़ना नहीं चाहेंगे थैंक यू थैंक यू
क्या बात है, देर क्यों हो गई? लीला जरा देखना तो। आपने अपने जीवन साथी के रूप में सुमंत ऐसे पायलट को क्यों चुन लिया जी? वो इसलिए कि सुना है कि चांद और सितारों में भी आबादी है, कभी ना कभी वहां के चक्कर आएगा। मैंने कहा आपकी मोहब्बत हवा में शुरू हुई या जमीन पर? जी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मोहब्बत को हवा और जमीन से क्या वास्ता, भाई कहीं भी शुरू हो सकती है। ये आपकी मर्जी की शादी है या सेठ जी की मर्जी की? हम दोनों की मर्जी की। अब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, शादी का समय बीता जा रहा है। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन जी। थैंक यू मैडम। माफ कीजिए मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। समय गुजर जाने के बाद सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए दीदी। ठहरिए, तो फिर मजबूर होकर उन चार दिनों के बारे में जब आप जहाज से भागी थी, जो मन समाएगा लिख दिया जाएगा। अगर बिना समझे बुझे लिख दिया जाएगा तो अखबार प्रेस में कुआ दिया जाएगा। मदारीलाल की सराय से निकलकर और किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ाकर आपको घर वापस लौटने का क्या अधिकार था? मेरी मर्जी, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, कोई जवाब नहीं देना चाहती। आपको जवाब देना होगा खूबसूरत पला। तमीज से बात कीजिए, अब मैं किसी और की बनने वाली हूँ। जानता हूँ, भगवान रक्षा करे सुमन। बात क्या है, क्या चाहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? सागर। और मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपना रुपया चाहता हूँ। रुपया? जी हाँ। यही इंसानियत है डैडी, ये जितना रुपया चाहे इन्हें दे दीजिए। बहुत अच्छा बेटी। ये लीजिए 125,000 रुपया। मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मुसाफिर खाने का किराया 5 रुपए, टोपी और बैग गिरवी रखी 10 रुपए, 12 आने की गाजरे मूलिया भुट्टे, 12 आने की गाजरे मूलिया भुट्टे कुल 15 रुपए 12 आने। जी हाँ, वो भी उसूल के लिए वसूल कर रहा हूँ, वरना कोई गरीब आदमी होता तो माफ कर देता। मानता हूँ खुदा बख्श, आदमी तेरे नजर आते हो। जी हाँ, देखा नहीं चार दिन में कैसा सीधा कर दिया, जो आप 20 बरस में नहीं कर पाए। माफ कर दिया। मैं अभी आ चुका। तो फिर छोड़कर क्यों चला गया था? मैं चला गया था या तू चली गई थी? मैं तो शादी के लिए रुपए का इंतजाम करने गया था, तकिए के नीचे पर्चा छोड़ गया था, पड़ा था। आंखें हैं या बटन, जरा भी शर्म हो तो माफी मांग। तू माफी मांग? बाप का घर ना होता तो खूबसूरत ही नाक तोड़ देता। अरे इसके बाप का नहीं, घर तेरा है, जमा दे जमा दे। सुमंत बेटा, आज तूने मुझे डैडी नहीं कहा? डैडी, हमारी शादी का समय निकला जा रहा है। बेबी का नहीं, हाँ तुम्हारी शादी का समय निकल चुका। क्या मतलब? मतलब ये कि बेबी गई कहाँ? अपने मन भावन के साथ। मन भावन के घर जाए गोरी, घुंघट में शर्माए गोरी, बंधी रही ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घुंघट में शर्माए गोरी, बंधी रही ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।